एवरीवन, सो आज हम लोग एक छोटू सा टॉपिक लेके चलेंगे जिसमें हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन से थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस करेंगे। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं तो आप देखते हो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक वो रिएक्शन होती है जिनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एक्सोगोनिक रिएक्शन कहा जाता है, एक्सोथर्मिक और एक्सोगोनिक रिएक्शन। और एक टाइप के रिएक्शंस ऐसी होती है जिन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक। तो आज के लेसन के अंदर हम इन्हीं के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एंडोथर्मिक या फिर एंडोगोनिक रिएक्शंस। छोटा सा टॉपिक है, बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक हमें एंजाइमोलॉजी को समझने में हेल्प करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? देखिए, रिएक्शंस दो टाइप की है और एक जनरल अगर मैं यहाँ से चलूँ तो आपको पता है एंजाइम सब्सट्रेट के साथ मिलके एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ हमें कुछ अलग अलग टाइप की ट्रांजिशन स्टेट्स यानी कि अनस्टेबल स्टेट्स देखने को मिलती हैं और उसी से हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन के फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है ना, चाहे कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो, हम सब की बात कर रहे हैं। दो टाइप की प्रोसेस होती है, दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जब रिएक्शंस की बात आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एनर्जी को रिलीज करती हैं, सो दे रिलीज एनर्जी। एक्सो वर्ड आ रहा है ना, एक्सो का मतलब कोई भी चीज जिसमें से एनर्जी बाहर निकले, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी। एक्सोथर्मिक मतलब बाहर निकल रही है, एग्जिट कर रही है एनर्जी। तो सबसे पहली चीज कि दे रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग द लेस स्टेबल केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मिंग द मोर स्टेबल बॉन्ड। अब एनर्जी कहाँ से निकलेगी, हम इस चीज को यहाँ से समझते हैं कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, तो अगर ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होगा तो यहां से कुछ अनस्टेबल बॉन्ड, जैसे ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हमारे कुछ अनस्टेबल लिंक बने होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल स्टेट्स होती हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे जो लेस स्टेबल बॉन्ड है उनका ब्रेकडाउन होता है और नए अनस्टेबल हे एवरी वन, वेलकम इन टूडेज क्लास। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारी रिएक्शंस के टाइप के बारे में, जो हमें एंजाइमोलॉजी को बेटर वे में समझने में हेल्प करेगा। आप किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें, अगर हम एक जनरल लेके चलते हैं तो हमारा एक बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे कंडक्ट होता है कि एंजाइम के साथ सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हमारा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद कुछ हमारे ट्रांजिशन स्टेट्स बनते हैं, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है एंड देन एंजाइम हमारा अलग हो जाता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के बाद, राइट? तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, मतलब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी वो कंज्यूम कर रही है या वो एनर्जी को रिलीज आउट कर रही है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिन्हें आप एक्सोगोनिक और एंडोगोनिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एनर्जी को रिलीज करती हैं, दे रिलीज एनर्जी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, दे कंज्यूम एनर्जी। ठीक है, राइट? हम लोग यहां से यही समझेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और एंजाइम किस तरीके से हेल्प करता है इनमें। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करें, नाम में ही एक्सो वर्ड आ रहा है जो इस चीज को डिपिक्ट कर रहा है कि यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी, और एंडोर डिपिक्ट कर रहा है कि एनर्जी को ये कंज्यूम करेगा। सो एक्सोगोनिक रिएक्शंस, जिन्हें हम एक्सोगोनिक नहीं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होती हैं हमारी, हम यहाँ से स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, जो हमारी एक्सोगोनिक रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर रिएक्टेंट एनर्जी को लूज करता है। और देखिए, हर एक रिएक्टेंट की अपनी एक जी नोड होती है यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी होती है।
एक्सोर्गोनिक रिएक्शन के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट है वो यहाँ पे उसकी गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी होगी। सबसे पहली बात वो इसलिए क्योंकि एनर्जी यहाँ से बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। एनर्जी जब कंज्यूम करेगा तो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ से पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी कैसा होता है, हमारी गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है और इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट इज नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारी स्पॉन्टेनियस होती हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है, मान लो अगर एनवायरनमेंट के अंदर दो सब्सट्रेट ऐसे प्रेजेंट हैं जो जो हमारे एक्सोथर्मिक है, मतलब उनके रिएक्ट करने से आपको हीट मिलेगी, वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव तो बहुत जल्दी एक्टिवेट करेंगे ना, तो इसीलिए जो सब्सट्रेट हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसलिए रिएक्शंस हमेशा स्पॉन्टेनियस होती हैं, सडनली एकदम से अचानक से रिएक्शन कंडक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी दे के रिएक्शन को स्टार्ट करना पड़ता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस ही हमारी रिएक्शंस होगी। यस, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में से हमें एनर्जी मिलती कहाँ से है? तो देखिए, आप इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एंजाइम प्लस सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर कुछ ट्रांजिशन स्टेट्स बनती है और उसके बाद ही हमारा प्रोडक्ट बनता है ना, तो हमारा सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ अनस्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, उन अनस्टेबल बॉन्ड के ब्रेकडाउन के बाद ही एनर्जी मिलती है और यही एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं एक्सोर्गोनिक रिएक्शन में हमारा एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना जरूरी है कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी रिएक्शन को कंडक्ट होने के लिए हमें चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के लिए हमारा रिएक्शन है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्लस में प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में डिपिक्ट करना चाहूँ तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इस ग्राफ में यहाँ पे मेरा एंजाइम सबस्ट्रेट है और यहाँ से मेरा एंजाइम सबस्ट्रेट का ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है, और यहाँ से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना और उसके बाद यहाँ से आगे मेरा एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो इस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम सब्सट्रेट ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिपिक्ट करती है कि कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सट्रेट की क्या एनर्जी होगी उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग, है ना। उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग जो भी उसकी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स को इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को जब तक कोई एंजाइम ओवरकम नहीं करेगा तब तक वो एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज एंजाइम, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। और इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी आपको दिख रही है कि एंजाइम सब्सट्रेट के कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट बनाने में हमें जो एनर्जी लग रही है इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या है? ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो हेल्प कर रहा है इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने में, जिससे हमारा एंजाइम सब्सट्रेट से आराम से इफेक्टिवली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके, या कह सकते हैं कि सब्सट्रेट आराम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो जब आप एक एक्सोर्गोनिक रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कैसा होता है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का अगर आप यहां से ग्राफ प्लॉट करोगे इन केस ऑफ, यहां पे हम डिपिक्ट कर लेते हैं पहला केस एक्सोर्गोनिक रिएक्शन का, दूसरा हम यहां से ग्राफ प्लॉट करेंगे एंडोगोनिक रिएक्शंस का, ठीक है, ताकि आप दोनों को कंपेयर करके समझ पाओ कि एक्टिवेशन एनर्जी का प्लॉट यहां से कैसे बने।
जब एक्टिवेशन एनर्जी का प्लॉट करते हो तो हम लोग यहाँ से, हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ओहो, एक्स एक्सिस है ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी आएगी फ्री एनर्जी, राइट। चलिए यहाँ पे भी हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं साथ के साथ ही। ये हमारा हो गया ग्राफ, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा फ्री एनर्जी और दूसरी साइड में वाई एक्सिस के ऊपर हमारा, सॉरी, एक्स एक्सिस पे हमारा रिएक्शन और वाई एक्सिस के ऊपर हमारा फ्री एनर्जी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सपोज कीजिए इतना अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट चाहिए था एक्सोर्गोनिक रिएक्शन के केस में, क्योंकि हीट इवॉल्व होने वाली है, तो हमेशा क्या देखते हो आप कि प्रोडक्ट हमेशा लोअर पोजिशन पे होगा। देखिए मैं पहले आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अब ये मान लीजिए हमारा लेवल है, इतना सबस्ट्रेट हमारा हमें चाहिए इस रिएक्शन के कंडक्शन में। यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट है, इधर हमारा प्रोडक्ट है, और इसके कंप्लीशन हमने क्या देखा, यहाँ हमारा सबस्ट्रेट था और प्रोडक्ट हमारा बना, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी कौन सी हो गई, दिस एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। और अभी आपको इतना पता है कि ये दिस एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए था सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, जब भी एक्सोर्गोनिक रिएक्शन होगा उस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो लोअर होगा, रिजल्ट क्या निकले, प्रोडक्ट इज लोअर देन दैट ऑफ सबस्ट्रेट। यू कैन सी दैट इन दिस प्लॉट, आप देख सकते हो सबस्ट्रेट हमारा हायर लेवल पर प्रेजेंट है और प्रोडक्ट हमारा लोअर लेवल पर, क्योंकि इस सबस्ट्रेट के ये जो अनस्टेबल एनर्जी बॉन्ड थे उनके ब्रेकडाउन के बाद प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट जब ये बन रहा था तो हीट यहाँ से इवॉल्व हुई, इसलिए प्रोडक्ट हमारा लोअर लेवल पर है और सबस्ट्रेट हमारा हायर लेवल पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन हमारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होती हैं, यहाँ पे नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, ऐसी रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, आपको बाहर से इनको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती। ये रिएक्शंस आपको इवन कंप्लीशन के बाद एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं कि एक्सोर्गोनिक रिएक्शन में, एग्जांपल में यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ कि हमारी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन के अंदर आप देखते हो कि ग्लूकोज से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हमारी रिएक्शन क्या होती है, C6H12O6, और इसी C6H12O6 से हमें क्या मिलता है, +6O2। हमें क्या मिलता है, यहां से हमें 6CO2 मिल जाता है, प्लस में 6H2O मॉलिक्यूल, प्लस में 686 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिल जाती है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके कंप्लीशन में हमने एनर्जी लगाई नहीं, उल्टा हमें एनर्जी मिली है, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के प्लॉट को समझ लें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोर्गोनिक रिएक्शन के केस में किस तरीके का प्लॉट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना कि डेल्टा जी जो है ये हमारा कैसा होगा, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, मतलब इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे कम होगी, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंडोगोनिक रिएक्शन की। तो यहाँ पे भी हम प्लॉट ड्रा कर लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का प्लॉट किस तरीके का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी यूज्ड होने वाली है, यहाँ पे एनर्जी हमारी अगर यूज होगी तो ऑब्वियस सी बात है सबस्ट्रेट हमारा कहाँ पे होगा, सबस्ट्रेट हमारा लोअर लेवल पे होगा और हमारा प्रोडक्ट हायर लेवल पे होगा, क्योंकि एनर्जी हमने कंज्यूम करी है ना। यहाँ पे हमारा रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमारा प्लॉट किस तरीके से होगा, हियर इज सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट के बाद हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सो हियर इज प्रोडक्ट, दिस लाइन डिपिक्ट, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा सबस्ट्रेट है। ओके, हम इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, यस।
ठीक है। Right, so here is substrate and here is product. So this is your activation energy. Right, और ये हमारा प्लॉट हो गया किसका, एंडोर्गोनिक रिएक्शन का। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड, एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट रिमेन्स हायर लेवल, प्रोडक्ट रिमेन्स एट हायर लेवल, एंड नहीं हम कहेंगे देन दैट ऑफ देन सबस्ट्रेट। राइट गाइज, यहां पे एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एंड यहां पे हमारा जो डेल्टा जी होता है इट इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि एनर्जी हमें चाहिए होगी, है ना। सो ये हमारी हो जाती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन दोनों के अंदर डिफरेंस। और ये हमने प्लॉट भी प्लॉट के थ्रू इसको समझ लिया कि हमारी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में किस तरीके से एनर्जी वैरी करती। ठीक है, तो एक चीज यहां से हमारी क्लियर हो जाती है कि जब भी हमारी कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन कंडक्ट होगी, इस एंजाइमेटिक रिएक्शन में जैसे हमने कहा यहाँ पे कुछ हमारी ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, और ट्रांजिशन स्टेट्स एक्चुअल में क्या है, ये हमारी अनस्टेबल स्टेट्स होती हैं, ऐसी स्टेट्स जो कि हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी लेवल को डिपिक्ट करती है, और ये अनस्टेबल स्टेट्स होती हैं। इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैगर से। इस साइन को क्या कहते हैं, साइन को कहते हैं डबल डैगर, डबल डैगर सिंबल है ये हमारा, इससे हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज यहां से हमारी क्लियर होती है कि चाहे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन चाहे आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों ही रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे हायर अनस्टेबल एनर्जी स्टेट तो आपकी होगी ही होगी। ठीक है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी मिलेगी, चाहे आपके एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो। क्लियर, तो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये आपको एंजाइम्स की एक्टिविटी को समझने में और भी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में।